सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हम जो देखते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हैं हम, तो ड्रिलिंग कौन सा होता है, क्या नहीं है, और ड्रिलिंग का कटिंग स्पीड कैसे निकालते, फीड कैसे निकालते, स्पीड कैसे निकालते, डेप्थ ऑफ कट कैसे तय करता है, मटेरियल का और कौन से टूल मटेरियल कौन सा होता है, और वर्क पीस जो आपका मटेरियल कौन सा होता है, और उसके पैरामीटर कैसे सेट करना है, सब ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ये ड्रिल के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ड्रिल का स्पीड कैसे तय करना है, फीड कैसे तय करना है, फीड कितने प्रकार के होते हैं, कटिंग स्पीड कैसे तय करना होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आपको ये जानना होगा कि हम जो भी सीएनसी मशीन के ऊपर जो भी हम मटेरियल के ऊपर जो मशीनिंग करते हैं, तो वो मशीनिंग कौन से टाइप का होता है वो देखता हूँ मैं। उसको हम वर्क पीस मटेरियल बोलते हैं। तो कॉपर अलॉय रहता है, कास्ट आयरन रहता है, स्टेनलेस स्टील होता है, टूल स्टील होता है, अलॉय स्टील होता है, मेल स्टील होता है, ऐसे वर्क पीस के मटेरियल होते हैं। और वो वर्क पीस के मटेरियल के ऊपर हमको समझो ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग के भी मटेरियल मालूम होना चाहिए। ड्रिल का उसको टूल का मटेरियल बोलते हैं हम। तो टूल दोन प्रकार के होते हैं, एचएसएस एक होता है और कार्बाइड। एचएसएस का फुल फॉर्म क्या है, हाई स्पीड स्टील होता है, और कार्बाइड। तो ये मटेरियल वाइज ये आपको मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम ऐसा उन्होंने दिया हुआ था। वो ये कटिंग स्पीड होता है वीसी, मतलब वो मटेरियल वाइज इतना आप उसका कैपेसिटी के हिसाब से ये वीसी उन्होंने तय किया हुआ रहता है टोटली। तो उसके आधार के ऊपर ही हम स्पीड, फीड, कटिंग स्पीड ये निकालने वाले। टूल मटेरियल माने हम ड्रिल कौन सा लेने वाले, ड्रिल हम एचएसएस का लेने वाले, तो ये पहले कहे हम। फिर वर्क पीस मटेरियल, वर्क पीस मटेरियल, लेने वाले हम। और टू वर्क पीस मटेरियल हम एसएस लेने, स्टेनलेस स्टील लेने। कटिंग स्पीड किसमें है, वो 15 से 20 के अंदर है, 15 से 20 के अंदर है। हमको ड्रिल डायमीटर लेना पड़ेगा। ड्रिल डायमीटर हमारा कितना है, स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड कैसे लेना है वो देखना पड़ेगा। ड्रिल डायमीटर हमारा 20 mm है, और जो ड्रिल का हम आरपीएम 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमको ये पैरामीटर पहले ये करने पड़ते हैं टोटली। मतलब आपको जानकारी होना है, कौन सा भी समझो आप ड्रिलिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग करना है तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए टोटली कि पैरामीटर हम क्या ले रहे हैं टोटली। अभी जो हमारे हम जो पहले क्या करने वाले हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कटिंग स्पीड लेना पड़ेगा। उन्होंने तो कटिंग स्पीड 15 से 20 दिया है, मगर एक्चुअल हमको कितना लेना है वो मालूम नहीं है। हमको स्पिंडल स्पीड भी उन्होंने 200 से 300 दिया है, मगर हमको एक्चुअल कितना लेना है वो हमको मालूम नहीं है। तो वो हम वो फॉर्मूले वाइज देखेंगे टोटल। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं, कटिंग स्पीड जो रहता है वो कटिंग स्पीड, जो हम कटिंग स्पीड बोलते हैं उसको हम वीसी बोलते हैं टोटल। वो हम वो देखेंगे पहले कि कैसे निकाला जाता है। वीसी का फुल फॉर्म पाई डी एन डिवाइडेड 1000, ऐसा ये सूत्र है उसका टोटल। तो अभी हमको क्या करना है टोटली कि वीसी निकालने का है। तो पाई का कितना वैल्यू होता है, 3.414, 3/14 इंटू डायमीटर इंटू स्पीड और डिवाइडेड 1000 करना है हमको। तो अभी हमको क्या देखिए, वीसी ये करना है, तो 3.414 इंटू ड्रिल का डायमीटर है 20, 20 हमने लिया है, डी ये डी होता है, एन होता है, तो डी ये हो गया टोटली। फिर 200 और 300 इसके 400 के बीच में का सेंटर कितना है हमारा, 300।
तो हम इधर इनटू 300 लेंगे टोटल। तो 300 लेने के बाद ये वैल्यू को हम डिवाइडेड करना है टोटल। तो डिवाइडेड करने के बाद हमारा वीसी कितना आएगा टोटल, 3.14 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, 20 बराबर ये 62.18 आएगा, डिवाइडेड 300 करना है हमारा। आरपीएम हमने 300 लिया है ना, तो ये 300 किया मैंने इसको, ये 62 को इन 300 किया तो बराबर कितना आएगा टोटल हमारे, मतलब 18,840 आएगा। डिवाइडेड हमको कितना करना है, 1,000 करना है ना, 1,000 करेंगे तो मतलब ये क्या रहेगा, 1,000 ये करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 18 को 18 इधर आएगा, पॉइंट टू पॉइंट, और ये 84 ना, 18.84 ये वीसी आ गया मेरा टोटल। ध्यान रखिए वीसी मतलब कितना आ गया, हम कितना पकड़ेंगे, 18 आ गया टोटल, ये वीसी हम ये पकड़ रहे हैं 18। ध्यान रखिए तो ये वीसी निकालने का ऐसा, वीसी बराबर 18 निकला है, ये ध्यान रखिए। अभी हमको स्पिंडल स्पीड निकालने का, स्पीड निकालने का मैं बताता हूं। दे टोटल स्पिंडल स्पीड निकालने का आपको टोटल एन, ध्यान रखिए उसको क्या है, वीसी हजार डिवाइडेड पाई इंटू डाई, 18 पकड़ा हमने, 18 इंटू 1,000, 18 इंटू 1,000 डिवाइडेड 3.14 इंटू डायमीटर 20, ये ऐसा करना है हमको यन निकालने है, आरपीएम निकालने के लिए। तो अभी हमारा 18 कितना होता है टोटली, 18 इंटू 1,000, 18,000 हो गए। डिवाइडेड क्या करना है हमको, 3.14 करना है टोटल। 3.1 डिवाइडेड करेंगे तो क्या, 5,732.484, ये कितना वैल्यू आएगा, भागीले डिवाइडेड कितना करना है हमको, 20 करना है तो 20 करेंगे कहाँ, 26.624 यह है। तो एन मेरा कितना आएगा, एन बराबर मैं 287 पकड़ रहा हूं, तो ये आरपीएम निकला दोस्तों, ये 287 एन स्पिंडल स्पीड निकला। एन मतलब इधर जो एन मेरा कितना आएगा, एन बराबर 287। तो ये एन और वी सी हमका निकल के आ गया टोटल। तो ये ऐसा निकलना है। अभी ये पैरामीटर हमको प्रोग्राम में देना पड़ेगा ना टोटल, ये तो दिए मगर उन्होंने फिक्स नहीं बोला ना यही लेना है, मगर हम कैलकुलेशन फॉर्मूले द्वारा हमने ये निकाला है टोटल, वीसी 18 निकला है, एन ये देना है टोटली। अभी हमको फीड जो रहता है टोटल, फीड जो वो कैसे निकालने का है टोटली, समझो उन्होंने फीड जो हमको दिया है टोटल, फीड कौन सा है, ड्रिल फीड मिनी, माने कैसे दिया उन्होंने फीड, फीड एमएम पर मिनट में दिया उन्होंने, एफ 10/40 ऐसा दिया उन्होंने टोटली। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा टोटल, उसका ये कैसा है, फीड कैसे निकाला जाता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये स्पिंडल स्पीड तो हुआ, अभी फीड पर रिवुलेशन में हमको निकालने का टोटल। अभी उन्होंने दिया है कौन सा दिया आपको, टोटल दिया है फीड एमएम पर मिनट में दिया है टोटल।
तो अभी फीड हमको MM पर रेगुलेशन में चाहिए, तो फीड फॉर्मूला जो है फीड मिनट डिवाइडेड यन, ये ऐसा उसका फॉर्मूला है टोटल। तो अभी हमको मिनिमम 10 दिया है और मैक्सिमम 40 दिया है फीड उन्होंने, तो उसका मीन कितना रहेगा? 40 में से 10 गया 30 रहेगा, 30 का डिवाइडेड 2 करेंगे तो 15, तो 10 में 15 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। तो फीड मेरा इधर 25 है समझो, डिवाइडेड हमारा जो यन कितना है, यन हमारा 287 है, तो 287 हम डिवाइडेड करेंगे 25 में से, तो हमारा फीड जो रहता है रिवेलेशन वाला, हाँ, तो कितना आएगा? F 0.087, ये फीड MM पर रिवेलेशन में आ गया, ध्यान रखिए। ये जो फीड है हमारा, ये फीड MM पर रिवेलेशन में आ गया टोटल, इतना देना है हमको। मतलब हमको क्या करना है, ड्रिल उन्होंने फीड ये मिनिमम इतना मैक्सिमम ऐसा दे, HSS ड्रिल यूज करना है। वर्क पीस का मटेरियल कौन सा है? SS स्टेनलेस स्टील है। कटिंग स्पीड 15 से 20 दिया था, 18 आ गया हमारा। ड्रिल डायमीटर 20 लेना है। स्पिंडल स्पीड हमको 200 से 400 बोला था, हमारा स्पिंडल स्पीड 287 निकला है। और फीड कितना देना है, तो फीड 0.07 ये देना है, ध्यान रखिए। फीड मतलब हमको F 0.087 मतलब 8 तक देना है मुझे, मतलब ये HSS ड्रिल और वर्क पीस के लिए इतना मुझे ये देना है टोटल। और डेप्टॉप कट कैसे, DOC का फुल फॉर्म क्या होता है? डेप्टॉप कट। तो अभी डेप्टॉप कट कैसे निकाला, और समझो जब ये फीड को हमको समझो इसमें दे लेना है, MM पर मिनट में लेना है, तो और दोस्तों अभी फीड मुझे समझो MM पर मिनट में लेना है, MM पर मिनट में निकालने का है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, फीड रेगुलेशन, सॉरी MM पर मिनट, फीड मिनट, तो उसका फॉर्मूला है N इंटू F। तो अभी समझो उन्होंने जो फीड दी है टोटल, अभी फीड हमको MM पर मिनट में निकालने का है, तो उन्होंने फीड समझो आपको यन मतलब हमारा 287 है टोटल, और हमारा जो फीड है समझो उन्होंने लिमिट दिया है फीड 0.05 से F 0.15 से, तो हमारा जो मध्य है सेंटर में लेना है, तो F 0.1 लेंगे हम टोटल। तो इधर इनटू 0.1 ऐसा हमने लिया है टोटल। तो हमको अभी MM पर मिनट में कितना आएगा, 28.70 ये आएगा टोटल। तो ये फीड क्या रहेगा मेरा, फीड MM पर मिनट रहेगा, ध्यान रखिए। तो ये ऐसा ये फीड MM पर मिनट में भी आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, मतलब फीड MM पर मिनट में ऐसा निकाला जाता है समझो। किसी ने आप दोनों भी यूज कर सकते हो टर्निंग मशीन में, मगर आपको सिर्फ समझो फीड MM पर मिनट में देना है, तो G98 देना पड़ेगा, और MM पर रिवोल्यूशन के लिए कुछ जरूरी नहीं है टोटल। तो ये फीड कोड है, फीड MM पर मिनट के लिए आपको 28 मतलब 29 देना है समझो, 29.0 दे सकते हैं, और फीड जब आप MM पर रेगुलेशन में देते हो तो 0.1 देना पड़ेगा टोटल, मगर RPM ये होना चाहिए टोटल। इसके लिए ये ऐसा है, ध्यान रखिए कोड इंपॉर्टेंट होता है। आपको कौन सा भी फील्ड में चेंज करना है तो कोड कंपलसरी आपको देना पड़ेगा स्टार्ट में।
तो दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने क्या किया, ड्रिलिंग का कटिंग स्पीड कैसे निकाला जाता है, स्पीड कैसे निकाला जाता है, फीड कैसे निकाला जाता है। फीड दो प्रकार के होते हैं, एमएम पर रिवोल्यूशन और एमएम पर मिनट। तो कैसे दोनों का कन्वर्शन करके वो फीड निकाला जाता है, और डायमीटर वाइज उसका स्टैंडर्ड कटिंग स्पीड स्पीड कैसे तय करना है, मटेरियल कौन सा होता है, टूल का मटेरियल कौन सा होता है, जॉब का कौन सा होता है, ये मैंने वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से आपको समझाया। फॉर्मूला वाइज आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।